हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करेंगे वीकली करंट अफेयर यानी इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की जो थीम रखी गई विश्व मेट्रोलॉजी की वह थी मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। इस थीम को यानी इस विषय को स्वास्थ्य में मापन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चुना गया था। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के अवसर पर NCSL इंटरनेशनल द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया है। दूसरा जो है प्रश्न जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यूनेस्को के समक्ष भारत के 9 स्थानों को संभावित विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। इनमें से 6 को स्वीकृति मिली है। जिन 6 स्थलों को स्वीकृति मिली है वे इस प्रकार है: वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व, हीरे बेंकल महाराणा प्रताप स्थल, मराठा का सैन्य वस्तुकला, जबलपुर का भेड़ा घाट और लमेटा घाट। प्रस्तावित 3 अन्य नाम जिनको सूची में जगह नहीं मिली है वह हैं: अरुणाचल प्रदेश का टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जियोगिल्फ ऑफ द कोंकण और जम्मू की मुबारक मंडी शामिल है। वर्तमान में भारत के 38 धरोहर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हैं। यानी इस समय जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है भारत के 38 धरोहर हैं। इसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 प्राकृतिक स्थल और 1 जो है मिश्रित स्थल है। साथ ही संभावित सूची में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे विरासत स्थलों की संख्या 48 हो गई है। संभावित सूची में शामिल विरासत स्थल के दस्तावेजों को 1 वर्ष के बाद स्थायी सूची में नामांकन के लिए जमा किया जा सकता है। भारत के 4 विरासत स्थल ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोवेरा की गुफाएं और आगरा के किले को सर्वप्रथम 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इस सूची में नवीनतम सदस्य जयपुर शहर के जिले जयपुर शहर, जिसे 2019 में इस सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता वापस लेने के लिए निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के अनुसार व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता के पसंद जैसे मूल्यों को कमजोर करता था, इसलिए इस तरह के प्रस्ताव को जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को इस तरह की निर्देश दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है वह है चक्रवात तैकते उत्तर की ओर कर्नाटक और महाराष्ट्र होते हुए अंततः 18 मई को यह पोरबंदर और नालिया के बीच गुजरात के तट तक पहुंचने की इसकी संभावनाएं हैं। IMD ने अगले 24 घंटे में इसके बेहद भीषण चक्रवात तूफान में बदलने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद नेक्स्ट इस चक्रवात से जुड़ी देखेंगे इसको। अरब सागर में चक्रवात तैकते से प्रभावित मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं केरल में खासकर इसके तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दक्षिण में तिरुवनंतपुरम से लेकर के उत्तर में कासरागो तक समुद्र के करीब रहने वाले सैकड़ों परिवारों को घरों को छोड़ कर के राज्य सरकार द्वारा निर्मित राहत शिविरों में जाना पड़ा। मौसम विभाग ने शनिवार को खराब समुद्री परिस्थितियों के साथ केरल कर्नाटक तट पर 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की थी। नेक्स्ट जो करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है, पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर आर्बिटर तथा लैंडर और रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है चाइना। चाइना जो है पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर आर्बिटर लैंडर तथा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही चीन मार्स पर रोवर उतारने वाला USA के बाद विश्व का दूसरा तथा लैंडर उतारने वाला USA के बाद रूस का तीसरा देश बन गया है। विदित हो कि इस वर्ष फरवरी महीने में USA के पार्सियंस रोवर मंगल की सतह पर उतारा था। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 23 जुलाई 2020 को अपना स्पेस कास्ट लॉन्च किया। यह लगभग 202 दिन में 47.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर से जुड़ा जो प्रश्न है, विश्व दूर संचार और सूचना
और सूचना समाज दिवस 1969 से प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, यानी विश्व दूरसंचार और सूचना समाज जो दिवस है 1970 से मनाया जाता था प्रतिवर्ष 17 मई को। यह दिवस 1965 में इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशंस यूनियन की स्थापना और पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशंस पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार सूचना समाज दिवस 2021 की जो थीम है वह है एक्सेलरेशंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस इन चैलेंजिंग टाइम्स। नेक्स्ट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, चिपको आंदोलन के अग्रदूत सुंदरलाल बहुड़ा कोविड-19 से निधन इनका हो गया है। उनका निधन ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट के चलते हालत गंभीर हो जाने के कारण हुआ। वह प्रसिद्ध पर्यावरणविद और संरक्षणवादी थे, उन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1986 में जमनलाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा वनों की कटाई के विरोध में चलाया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सुंदरलाल बहुगुणा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक अंटार्कटिका के जमे हुए किनारे से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। यह हिमखंड स्पेनिश द्वीप मालोर्का से भी बड़ा है और अब यह अंटार्कटिका से अलग होकर के बेडल सागर में तैर रहा है। इस हिमखंड की एक तस्वीर कॉपरनिकस सेंटिनल्स एक मिशन के नामक सैटेलाइट से ली गई है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसे आइसबर्ग A76 नाम दिया है। इसकी सतह का कुल जो क्षेत्रफल है वह 4320 वर्ग किमी और जो लंबाई है वह 175 किमी और जो चौड़ाई है 25 किमी तक यह फैला है। नेक्स्ट करंट अफेयर से जुड़े हुए जो टॉपिक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। इसे इंडिपेंडेंस अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार 9 व्यक्तियों और एक शोध संगठन को प्रदान किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीकली करंट अफेयर में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।